नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप फिजिक्स प्रैक्टिकल कक्षा 12 में 30 में से 30 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मेरी सलाह या प्रश्न एक, फिजिक्स में जो दो प्रैक्टिकल करके आप कॉपी में लिखेंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स प्रैक्टिकल में दो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो जो आप प्रैक्टिकल करके कॉपी में लिखेंगे उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो प्रैक्टिकल पर ही वाइवा आपसे किया जाएगा, मौखिकी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल में जो उपकरण आपने यूज किए हैं उनके नाम और उससे संबंधित अन्य जानकारी आपको होनी चाहिए, उससे संबंधित अन्य जानकारियां आपको होनी चाहिए, साथ ही साथ अन्य उपकरणों के नाम भी आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप एग्जामिनर उसी दौरान देखने चला गया लैब में, तो वो तुरंत पूछेगा ये इसका क्या नाम है, इस उपकरण ऑपरेटर्स का क्या नाम है, आप क्या निकाल रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो इन सब की जानकारी यदि आपके पास है तो आपसे प्रभावित होकर के वह आपको 30 अंक में 30 अंक दे सकता है। दूसरा है, आप जो प्रोजेक्ट अथवा मॉडल बनाएं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट पर आधारित अनेक प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा, यानी जो प्रोजेक्ट या मॉडल आप बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या हासिल होगा, और उस पर आधारित अन्य प्रश्न, टेक्निकल प्रश्न जो हैं आपसे पूछा जा सकता है। यदि इन सब प्रश्नों का आप जवाब देते हैं तो आपके जवाब से प्रभावित होकर एग्जामिनर आपको अच्छे अंक प्रदान कर सकता है। तीसरी बात है, प्रश्न तीन, यदि आप पहला प्रैक्टिकल प्रकाशिकी से किए हैं, यानी प्रकाश से किए हैं, तो इन पाठों से संबंधित बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी आपका पहला प्रैक्टिकल यदि प्रकाश से है तो प्रकाश से संबंधित बेसिक जानकारियां, उन पाठों से संबंधित बेसिक जानकारियां आपसे पूछी जा सकती। प्रैक्टिकल जो लिख रहे हैं कर रहे हैं उससे तो पूछा जाएगा, लेकिन उससे संबंधित अन्य जानकारियां भी आपसे पूछी जाएंगी, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश का वेग क्या होता है, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम क्या हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, लेंस को स्पर्श करके तथा बिना स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको होना चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों को अक्सर पूछा जाएगा। दर्पण तथा लेंस की परिभाषा भी आपसे पूछा जा सकता है, इनकी फोकस दूरी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इनकी फोकस दूरी यानी लेंस की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण अथवा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है, यानी लेंस में दो लेंस, दर्पण में दो दर्पण, और दर्पण में दो दर्पण क्या, दर्पण में तीन दर्पण हो सकते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इनकी फोकस दूरियाँ भी पूछी जा सकती हैं, ऋणात्मक हैं कि धनात्मक है। तो इन प्रश्नों का यदि आप जवाब देते हैं तो आपको 30 अंक में से 30 अंक मिल सकता है। और देखिए अगली बात, अगली सलाह मेरी, चौथी सलाह या चौथा प्रश्न, यदि दूसरा प्रैक्टिकल आपका विद्युत से है तो प्रैक्टिकल के बारे में तो पूछा जाएगा ही, लेकिन विद्युत की बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल के बारे में तो आपसे पूछा जाएगा, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बेसिक प्रश्न जो है वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे, जैसे आवेश क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इन सब प्रश्नों को अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ आपकी बेसिक जानकारी आपकी क्या है विषय के बारे में, विषय पर आपकी कितनी पकड़ है, इन सब बातों पर विशेष फोकस किया जाता है जब प्रैक्टिकल का वाइवा मौखिकी किया जाता है। तो इन सब
बातों की आपकी जानकारी होनी चाहिए, और तमाम भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक याद होने चाहिए, और तमाम सूत्र भी बीच बीच में पूछे जा सकते हैं। और प्रैक्टिकल पर तो फोकस रहेगा ही, प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है, पहले तो उद्देश्य ही पूछा जाएगा, आप कौन सा प्रैक्टिकल किए तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको आना चाहिए, यानी कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं तुरंत आपको बताना चाहिए। ये नहीं कि ये अभी सोच रहे हैं आगे पीछे करें, कुछ नहीं, तुरंत। अब अगली सलाह जो आपको है मेरी, या प्रश्न जो हमारा है, इन सब के बाद आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। ये तो पूछा जाएगा सब, प्रैक्टिकल क्या है, बेसिक जानकारियाँ क्या हैं, ये सब पूछा जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक प्रश्न और है जो महत्वपूर्ण है। इन सब के बाद आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, भौतिक विज्ञान में आपकी सबसे मनपसंद टॉपिक क्या है, भौतिक विज्ञान में आपकी मनपसंद टॉपिक क्या है, अथवा आप और क्या तैयार करके आए हैं उसके बारे में बताएं। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है लास्ट में कि भाई आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, उसके बारे में यदि कुछ बताना चाहते हो बताइए, नहीं जो तैयार करके आए उसी के बारे में कुछ बताएं, तो ये जरूर पूछा जाएगा। यदि नहीं पूछा जाएगा, आपका वाइबा खराब जा रहा है, तो सर हम इस टॉपिक को बता सकते हैं, तो उस टॉपिक जो टॉपिक आप तैयार करिए पूरी तन्मयता के साथ, उससे इतर कोई प्रश्न उससे संबंधित पूछा जाए तो उसका जवाब आपके पास तुरंत होना चाहिए, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा बहुत अधिक होगा, आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।